हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा मैथ के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो है, इफ ए मीन्स माइनस, बी मीन्स डिवाइडेड बाय, सी मीन्स प्लस एंड डी मीन्स मल्टीप्लाई, देन आपने ये जो सीरीज है ये सॉल्व करनी है। तो चलो जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें लिखा हुआ है 15B3C24A12D2, उसे हमने एज सच लिख दिया। नाउ 15B का मतलब था डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे आ गया डिवाइड का साइन। 3 एज सच, सी का मतलब था प्लस, तो हमने यहाँ लगा दिया प्लस। 24 एज सच, ए का मतलब था माइनस, तो वो माइनस लगा दिया। 12 एज सच, डी का मतलब था मल्टीप्लाई इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोर्ड मास का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास में सबसे पहले होता है बी यानी ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। सो 15 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा 5 प्लस 24 एज सच। अब नेक्स्ट क्या था, एम, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 इंटू 2 इज 24, तो यहाँ प्लस का 24 है, यहाँ माइनस का 24 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 144, 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 155 एंड 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 102, देन 2 इंटू 5 आपने बताना है कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ना अब आपको ट्रिक्स सीखनी है, तो वो ट्रिक्स देखेंगे जरा। अब यहाँ पे ना 5 और 9 है और आपको बनाना है 144, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसे ले लूँगी कि ये मेरा ए है और ये बी जो है मेरा 9 है। अब मैं यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ क्या होगा देखिए जरा, 5 प्लस 9, ठीक है, और 9 माइनस 5। नाउ नेक्स्ट, अब आप क्या करो, यहाँ पे 5 प्लस 9 आपके पास क्या आएगा, 14 आएगा, और 9 माइनस 5 क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4। सो ये देखिए कितनी इजीली मेरा ये जो ट्रिक है सॉल्व हो चुका है। आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे बी माइनस ए कर दो, ठीक है, क्योंकि मैंने बी लिया है ना पहले, तो बी माइनस ए कर दो। इसी तरह से आप नेक्स्ट वाले को भी इसी तरह सॉल्व कर सकते हो। मुझे किसके लिए सॉल्व करना है, 2 इंटू 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2 एंड 5 माइनस 2। 5 प्लस 2 कितना होगा आपका 7 और 5 माइनस 2 कितना होगा 3। सो 73 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज, इफ प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन प्लस एंड मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, देन आपको ये सीरीज जो है सॉल्व करना है। मैं एक बार सीरीज ये देखो, 36 मल्टीप्लाई को आपने रिप्लेस करना है माइनस से, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया -8। अब प्लस को आपने रिप्लेस करना है डिवाइड के साथ, तो डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड को आपने चेंज करना है प्लस के साथ, +6। प्लस को चेंज करना है डिवाइड के साथ, डिवाइडेड बाय 2, और माइनस को चेंज करना है मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है, सबसे पहले आपने ऐसे इक्वेशंस बना लेनी है। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले आप डिवाइड वाले सिंबल्स को ही सॉल्व करोगे, तो 36 एज सच, माइनस का साइन एज सच। नाउ 8 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 2, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज प्लस, अब यहाँ पे भी डिवाइडेड का साइन था, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3 इंटू 3, ठीक है। नेक्स्ट है 36 माइनस 2 एज सच, प्लस एज सच 3 इंटू 3 इज 9। नाउ 36 में से 2 माइनस किया आपने तो आपके पास आया 34, प्लस 9 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 43। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ प्लस मीन्स डिवाइडेड बाय, माइनस मीन्स एडेड टू, मल्टीप्लाई मीन्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एंड डिवाइडेड मीन्स मल्टीप्लाई बाय, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो जरो
सॉल्व करते हैं 24। नाउ डिवाइड को आपने किससे वो किया गया है, सो डिवाइड को आपने किया है मल्टीप्लाई से, ठीक है, तो यहाँ आ गया मल्टीप्लाई बाय 12। नाउ माइनस को आपने रिप्लेस किया है प्लस के साथ, ठीक है, तो यहाँ आ गया प्लस 18। प्लस को रिप्लेस किया है डिवाइड के साथ, तो डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, देखो इस तरह से आपने इक्वेशंस बनाने हैं। सबसे पहले 24 इंटू 12 एज सच लिखा, क्योंकि सबसे पहले जो है डिवाइडेड का सिंबल जिसके साथ है वो सॉल्व होगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 9 इज दैट इज 2। ठीक है, नाउ 24 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट 288, उसमें ऐड कर दो 2 को, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 290। ठीक है, तो राइट आंसर इज द फोर्थ वन, 290। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी अगर किसी ने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको एनटीएससी से रिलेटेड मैथ साइंस और एसएसटी के नोट्स भी मिल जाएंगे और सॉल्व टेस्ट सीरीज और अनसॉल्व टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइडेड मीन्स प्लस एंड प्लस मीन्स माइनस, देन सॉल्व दिस इक्वेशन। चलो करते हैं इसे। नाउ 3, माइनस को आपने रिप्लेस किया है मल्टीप्लाई से, तो दिस इज मल्टीप्लाई 15। डिवाइडेड को आपने चेंज किया है प्लस के साथ, दिस इज प्लस 19। मल्टीप्लाई को आपने रिप्लेस किया है डिवाइडेड के साथ 8, और प्लस को आपने रिप्लेस किया है माइनस के साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले बी होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट सॉल्व करना। ठीक है, तो 3 इंटू 15 दैट इज 45, प्लस 19 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6। नाउ 45 प्लस 19 इज 64 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6। नाउ 64 डिवाइडेड बाय 8 इज 8, सो 8 माइनस 6 दैट इज 2। सो राइट ऑप्शन इज योर सेकेंड वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, इफ डिवाइडेड मीन प्लस, माइनस मीन्स डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस एंड प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, देन आपको एक इक्वेशन दे रखा है, आपने वो सॉल्व करना है। तो चलो जरा इक्वेशन को रिप्लेस करते हैं। 36, नाउ मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस से रिप्लेस करना है। नाउ नेक्स्ट, माइनस को आपने रिप्लेस करना है डिवाइडेड से 8, मल्टीप्लाई को आपने रिप्लेस करना है माइनस के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये चीज लिख दी। नाउ नेक्स्ट, 4 एज सच, प्लस को आपने रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई के साथ, दिस इज मल्टीप्लाई 8। मल्टीप्लाई को रिप्लेस करना है माइनस के साथ, दिस इज 2। प्लस को रिप्लेस करना है, वेर इज प्लस, प्लस को रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई के साथ, दिस इज 16। एंड डिवाइडेड को चेंज करना है प्लस 1 के साथ। ठीक है, ध्यान से इन ऑपरेशंस को आपने यूज करना है जिस तरह से उन्होंने दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती कर जाते हैं। नाउ 36 माइनस 4 इज 32 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 अपॉन 4 8 जा 32 माइनस 16 इंटू 2 इज 32 प्लस 1। ठीक है, 32 डिवाइडेड बाय 8 इज 4, सो माइनस 4 अपॉन, ये 32 से 32 कैंसिल हो गया था क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, नीचे रह जाएगा 1। 4 माइनस 4 इज 0 अपॉन 1, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, सो माय आंसर इज 0। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक डायरेक्शन गिवन किया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग सेम रूल्स आर गिवन, फाइंड द रूल एंड अकॉर्डिंगली फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर। तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला आ रहा है 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 31, 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 45, 18 प्लस 9 इज इक्वल टू 36 एंड 12 प्लस 27 आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें ना एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे कोई भी आपको ऑपरेशंस नहीं दिए कि कुछ प्लस को रिप्लेस कर दो किसी चीज से। अब आपको एक इक्वेशन गिवन है कि 3 प्लस 9 जो है वो 31 होता है, तो कैसे होता है वो देखते हैं। 3 प्लस 9, अब आप क्या करो, इस नंबर को डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 3, 3 के साथ इसको आप डिवाइड कर दो पहले। तो इसको 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1,
और 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3। अब इन दोनों ही नंबर को आप क्या कर दो, क्रिस क्रॉस कर दो, ठीक है। सबसे पहले 3 को लिख दो और 1 को पीछे लिख दो, तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरे के साथ भी करके देख लीजिए, मैं दूसरा भी करके दिखा देती हूँ। 15 एंड 12, सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5, और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4। अब इन दोनों को आप क्या कर दो, इनकी जो पोजीशंस है उनको चेंज कर दो, सो योर आंसर इज 45। तो अब हम लास्ट वाला जो हमारा आंसर है उसे सॉल्व करते हैं। 12 एंड 27, 12 को डिवाइड करोगे 3 से तो 4 आएगा, 27 को डिवाइड करोगे 3 से तो आपके पास आएगा 9। अब इनकी पोजीशंस को आप क्या करो, चेंज कर दो, 9 को पहले लिख दो, 4 को बाद में लिख दो, सो योर आंसर इज 94। देखो कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आपको ये ट्रिक्स जो है थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इफ 213 इज इक्वल टू 419 एंड 322 इज इक्वल टू 924, 415 इज इक्वल टू 16125, देन फाइंड 215, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ट्रिक है, ध्यान से देखिए। 213, 2 का कर दो डबल तो 4 आ जाएगा, 1 को रख दो एज सच, 3 का कर दो डबल यानी कि यहाँ आ जाएगा 9। तो देखो हमारा आंसर आ चुका है ना। इसी तरह से आप दूसरा कर लीजिए, 322, 3 का कर दो स्क्वायर तो होगा 9, 2 एज सच, 4 का कर 2 का स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 4, तो आपके पास ये नंबर बन गया। तो चलिए जरा 215 को सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर इज 4, 1 एज सच, और 5 का स्क्वायर इज 25, सो माई आंसर इज 4125, सो राइट आंसर इज 4125, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द 9th वन, 43 इज इक्वल टू 158, 35 इज इक्वल टू 824, 42 इज इक्वल टू 153, देन 32 का आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे भी एक ट्रिक है, देखिए जरा, 43 आपके पास गिवन है, अब आप क्या करो, 43 का डबल कर दो यानी स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब इन दोनों में से ही आप क्या कर दो, माइनस कर दो 1, तो 15, ये देखिए 8, तो 158 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो मैं 32 के साथ आपको करके दिखाती हूँ। 3 का कर दो स्क्वायर दैट इज 9, 2 का कर दो स्क्वायर दैट इज 4, ठीक है। नाउ यहां से कर दो माइनस 1, यहां से कर दो माइनस 1, तो 9 में से 1 गया दैट इज 8, 4 में से 1 गया दैट इज 3, सो राइट ऑप्शन इज सेकेंड, 83, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी 10th क्वेश्चन, 7 × 3 इज 52, 9 × 5 इज 86, 3 × 4 इज 13 एंड 5 × 7 आपको जो है फाइंड करना है। तो इसमें भी एक ट्रिक है, तो जरा सॉल्व करते हैं इसको। नाउ 7 * 3 या जो भी आप उसको बोलो, इंटू बोलो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 7 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर इज 49, ठीक है, और उसमें ना ऐड कर दो 3 को, तो आपके पास आपका रिजल्ट आएगा दैट इज 52, ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरा कर देती हूँ। 9 * 5 लिख दो इसको, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 में ऐड कर दो 5, तो आंसर आ गया 86। इसी तरह से नेक्स्ट वाला होगा, ठीक है। अब मैं लास्ट वाला करके दिखाऊंगी, 5 और 7 का, 5 का डबल कर दो यानी इसका स्क्वायर कर दो 25, 25 में ऐड कर दो 7, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, आपको सिर्फ ट्रिक समझनी है कि क्या ट्रिक्स हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इफ 24 + 35 इज इक्वल टू 28, 15 + 42 इज इक्वल टू 24, 84 + 57 इज इक्वल टू 48, देन 69 + 37 आपने फाइंड करना है। तो यहाँ भी एक और ट्रिक जो है वो यूज्ड हो रही है, क्या है, मैं पहले लिख देती हूँ ना। अब आप क्या करो, जैसे ये 24 और 35 है ना, तो इनको जो है ना अलग अलग डिजिट्स को आप ऐड कर दो, यानी 2 + 4 + 3 + 5, ठीक है, आप इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 4 + 2 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 5 = 14, ठीक है, 14 आया। आप बोलोगे मैडम आंसर तो आया नहीं, आप क्या करो 14 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपके पास जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से मैं आपको लास्ट वाला करके दिखाती हूँ, 69 प्लस 37, 6 में ऐड कर दो 9 को, फिर कर दो +3 प्लस 7, इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 25, ठीक है, और 25 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, सो योर आंसर विल बी 50, ठीक है। तो देखो किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, सो राइट ऑप्शन इज दी 4th वन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इफ 4 × 8 = 42 एंड 6 × 4 = 23, 8 × 6 = 34, देन फाइंड 2 × 4। तो यहाँ पे भी आप एक और दोबारा से एक नई चीज सीखोगे क्या है, सो 4 × 8 में ऐसा सच लिख देते हो। अब आप क्या करो, इस सभी नंबर को, ये जो 4 और 8 है इसको डिवाइड कर दो आप 2 से, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ इस नंबर को आप, यानी कि जो अगली सीरीज भी बन रहे हैं ना वो सारे डिवाइड हो रहे हैं बाय 2 से, तो इसको करोगे यहाँ डिवाइड होगा तो 2 आएगा, 8 का जब डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा 4, ठीक है। अब इन दोनों ही नंबर की जो पोजीशंस है उनको इंटरचेंज कर दो, सो आंसर विल बी 42, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वाला देख लो, 6 और 4 है, 6 को डिवाइड करोगे 2 से तो 3 आएगा, 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा 2। नाउ आप इन दोनों ही नंबर्स की जो है पोजीशंस को इंटरचेंज कर दो तो 23 इज दी आंसर। मैं लास्ट कर रही हूँ जो मुझे चाहिए 2 और 4 का, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, पोजीशंस को कर दो आपस में इंटरचेंज, सो योर आंसर विल बी 21, सो राइट ऑप्शन विल बी 2nd वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 13th क्वेश्चन, इफ 3 + 8 = 17, 5 - 2 = 23, 6 × 2 = 72, देन 8/4 क्या होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस इक्वेशन को, 3 + 8 = 17, आप क्या करो फर्स्ट नंबर का कर दो स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर होगा 9, 9 में ऐड कर दिया 8 तो आंसर आ गया 17। इसी तरह से ये देखिए 5 - 2 का देखते हैं, 5 फर्स्ट नंबर का कर दो स्क्वायर तो आपके पास आ जाएगा 25, 25 में से आप 2 को घटा दीजिए तो आपके पास आंसर आएगा 23। मैं लास्ट करके दिखा रही हूँ 8/4 का, सो 8 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 64, 64 को आपने डिवाइड करना है, जो नंबर लिखा होगा उसी के साथ हम करेंगे डिवाइडेड बाय 4, सो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 16, सो राइट ऑप्शन विल बी 4th वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाउ द नेक्स्ट वन इज दी 3 × 4 = 14, 5 × 6 = 33, 7 × 8 = 60, नाउ देन फाइंड 8 × 9। तो चलो इसे देखो किस तरह से करना है, सबसे पहले आप क्या करो 3 और 4 लिख देती हूँ मैं, 3 × 4 = 12, 12 में, अब देखो यहाँ तो 14 है ना, तो मैंने 12 में क्या किया 2 को ऐड किया है तो मेरे पास 14 आंसर आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से 5 × 6 देखो वो होता है 30 और उसमें ऐड किया है मैंने 3 को, तो यहाँ बन गया 33, ठीक है। इसी तरह से 7 और 8 को करोगे तो आपके पास आएगा 56, 56 में ऐड करोगे 4 तो आपके पास बन जाएगा 60। तो कुछ भी नहीं किया, पहले 2 ऐड हुआ था, फिर 3 हुआ था, फिर 4 हुआ था, अब 8 × 9 करोगे तो होगा आपका 72, 72 में 4 का अगला नंबर यानी 5 उसको कर दोगे ऐड तो आपके पास आंसर आएगा 77, सो राइट आंसर विल बी 1st 77। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, इफ 3 + 2 = 7, 4 + 3 = 10, 5 + 4 = 13, देन फाइंड 6 + 5। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। नाउ सपोज करो ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो मैंने कुछ भी नहीं करना है, मैं एक फॉर्मूला इसमें यूज करके देख लेती हूँ, ए प्लस 2b, तो ए कितना है 3 है, 2 एज सच, बी कितना है 2 है, सो 3 + 4 देखो 7 आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वाले को भी ट्राई करके देख लेते हैं, ए इज योर 4 + 2, बी इज योर 3, ठीक है, सो 4 एज सच, 2 × 3 = 6 और 6 + 4 कितने होते हैं 10, तो यानी कि यही जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है ये इसमें अप्लाई हो रहा है, ए प्लस 2b। तो आप इस तरह से भी इन क्वेश्चंस को जो है कर सकते हो, ठीक है। अब मैं करके दूंगी 6 + 5 का, तो ए क्या है 6 है प्लस 2 × b क्या है 5, तो 6 एज सच प्लस 2 × 5 = 10, सो आंसर विल बी 16।
सो राइट ऑप्शन विल बी 4/16। आई होप आपको आज की क्लास जो है समझ आई होगी। तो अभी तक अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको NTSC से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है देखने को मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।